सालों से बेटी की तलाश करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आते थे इनके घर, जारी रखेंगे प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फोटो पर टांगी जूतों की माला। जी हाँ, कश्मीरी लाल चोपड़ा वासी वार्ड नंबर 9 बरवाला अपनी साइकिल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की फोटो पर व बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया की फोटो पर जूतों की माला डालकर बरवाला शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका बेटा सुनील चोपड़ा 19 जुलाई 2005 को सुदेश कुमारी पुत्र आशानंद दीवान, पूर्व संचालिका ब्रह्म कुमारी आश्रम बरवाला के ड्राइवर अनिल कुमार पुत्र धर्मचंद वासी पुराना बस अड्डा बरवाला के घर से गायब हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। कश्मीरी लाल का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है और उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए तथा सुनील मर्डर केस की सीबीआई जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन 12 मई 2019 तक लगातार जारी रहेगा। सुनील चोपड़ा पुत्र कश्मीरी लाल चोपड़ा के गायब होने के संबंध में मुकदमा नंबर 180 दिनांक 26/7/2005 धारा 365 थाना बरवाला कश्मीरी लाल चोपड़ा की शिकायत पर सुदेश कुमारी व ड्राइवर अनिल कुमार उपरोक्त के खिलाफ दर्ज है। कश्मीरी लाल चोपड़ा जी, क्या मामला है जो आपने मुख्यमंत्री और सुरेंद्र पुनी जिला अध्यक्ष के फोटो पर जूतों की माला टांग दी? मैं कश्मीरी लाल चोपड़ा बरवाला का 45 साल से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश का मंडल बरवाला मंडल का 8 साल से महामंत्री रहा हूँ। 45 साल पहले जब मुख्यमंत्री प्रदेश के महामंत्री थे, उस समय मेरे घर भी आया जाया करते जब संघ के वो कार्यकर्ता थे और मुझे जानते भी हैं। मेरा 24 साल का लड़का 19 जुलाई 2005 को किडनैप हो गया था। जिन्हें किडनैप किया था वो बरवाला में सुदेश कुमारी संचालिका ब्रह्मा कुमारी आश्रम बरवाला और अनिल कुमार पुत्र धर्मचंद सुदेश कुमारी का ड्राइवर है, जिन्हें मेरे लड़के को किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया। आज 14 साल 2 महीने हो गए मेरे लड़का बरामद नहीं हो सका पुलिस से। पुलिस शुरू से ही हथियारों को बचाने में जुटी है। पुलिस ने सौदाबाजी कर रखी है हथियारों से और झूठी फर्जी जांच करके और मेरे गरीब आदमी को मार रही है 2006 से कि मेरे एसआर पुलिस की कार्रवाई पे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ मैं और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। मेरा लड़का जिंदा या मुर्दा बरामद किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए, लेकिन एसआर पुलिस फर्जी जांच करके सरकार को गुमराह कर रही है, सरकार को भी पुलिस को गुमराह कर रही है एसआर बरवाला पुलिस और झूठी पर्चे बना के झूठे कार्रवाई करके सरकार को दे रही है। मैं बार बार सीबीआई की मांग करता हूँ हाईकोर्ट में, तो इशार की पुलिस कहती है हमें सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। बताइए मैं कहाँ जाऊँगा, जब पुलिस मेरी न्याय नहीं देगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? न्यायालय भी न्याय नहीं देगा, मैं जाऊँगा कहाँ? फिर मुझे न्याय चाहिए। इशार जिन्हें ये इशार के एसपी थे अशिंदर चावला, उनका एक दोस्त था क्लास फेलो मुकेश कुमार आहूजा एसडीएम अमाला, वो अनिल कुमार हत्यारे का सगा जीजा है, जिसने अनिल कुमार का नाम एफआईआर से बाहर किया है। अनिल कुमार का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाए और नई जांच शुरू से नई जांच कराई जाए, जिससे मेरा लड़का बरामद हो सके और मुझे न्याय मिल सके। क्या लगता है चोपड़ा जी, आपका बेटा जिंदा है या मर गया है, क्या लगता है आपको? मेरा लड़का जिंदा नहीं है। जिन्हें मेरे लड़के ने उनकी हथियारों की शिकायत कर रखी थी माउंट आबू राजस्थान को, जो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, ये यौन शोषण करते थे सुदेश कुमारी अनिल कुमार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम बरवाला में जो दुर्गा मंदिर के पास है, इसमें यौन शोषण करते थे। 2000 में एक लड़की का 4 महीने का बच्चा ठहर गया था पेट में, उसकी सफाई कराई थी बरवाला के और हिसार के अस्पताल में, लड़की मर गई 2000 में। वो मामला दबा दिया गया, फिर एक और लड़की रहने लग गई, उसका भी कुछ समय के बाद पेट में बच्चा ठहर गया, उसकी भी सफाई करा के उसकी की बरवाला के गाँव में शादी हो चुकी है। तीसरी लड़की ने इन दोनों का नंगा देख लिया एक दिन, सुरेश कुमार या अनिल कुमार को, और उस बात को मेरे लड़के को पता चल गया और उसने उसकी जांच की मांग कर दी ब्रह्मा कुमारी आश्रम बरवाला के हेडक्वार्टर में, और उसका बदला लेने के लिए सुदेश कुमार अनिल कुमार ने हथियारों को बुलाकर उसका किडनैप करवा के उसको मार दिया। एसपी को गिरफ्तार करो, थानेदार विद्यानाथ को गिरफ्तार करो, तो 24 घंटे में मेरा लड़का बरामद हो सकता है। एसपी इशार को इसका पता है और बरवाले के जो थानेदार थे विद्यानाथ को भी पता है, उनको गिरफ्तार करो, 24 घंटे में बरामद होगा मेरा लड़का। ले आपको एसपी सार ने बुलाया था, क्या मामला था, क्या बोले आपको एसपी साहब? मुझे बरवाला के डीएसपी साहब का फोन आया था कि आप यहाँ आ जाओ, फिर मैं यहाँ आया। बरवाला डीएसपी साहब के कहने लगे आप हिसार चलो, हिसार में बुलाया आपको एसपी साहब के ऑफिस में,
मैं वहाँ चला गया, वहाँ एसपी साहब के कोठी पे ले गए और को एसपी साहब ने कहा कि एडीजीपी साहब अनिल राव जी हैं और आपको वो सीबीआई जांच की, वो कहते हैं भाई इनको न्याय नहीं मिला, इसको न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने फाइल भेज रखी है और हम इसकी कार्रवाई करके कागज फाइल तैयार करके हम इसको सीबीआई को तुरंत भेजेंगे। मेरे से पूछा गया मामला सारा, मेरे को बता दिया कि मामला यौन शोषण का है, पुलिस यौन शोषण की जांच नहीं कर रही, पुलिस दूसरे मामलों की जांच करके मामले को दबा रही है। ये सब पुलिस के हाथ में है, पुलिस की नीयत साफ हो तो 24 घंटे में हथियारे बरामद हो जाएंगे। हथियारे बरवाला में बैठे हैं, कहीं भाग नहीं गए। उनके ये फर्जी जांच कर रहे हैं, ये जोर से आरोप लगा रहे हैं, ये अपने चंडीगढ़ जाकर इनके टेस्ट करवा रहे हैं, सब फर्जी हैं, फर्जी हैं। इनके 4 घंटे का काम है, पुलिस की नीयत साफ हो तो हथियारे तो 4 घंटे में मान जाएंगे, लेकिन पुलिस की नीयत नहीं है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए और लड़के मेरा लड़के को जिंदा या मुर्दा मुझे बरामद चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।